मैं तो यहाँ कर रही हूँ अपनी मम्मी के लिए ढेर सारी दिवाली शॉपिंग, लेकिन वहाँ बड़े अच्छे लगते हैं मैं। राम और प्रिया की लाइफ में आ गया है कोई और ही त्योहार, देखते हैं इनकी लाइफ का ताजा ताजा हाल। प्रिया की रसोई, राम के लिए दावते इश्क। सोनी टीवी के सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं सीजन 2 में आज प्रिया घुस गई है किचन में और राम और उसके दोस्तों के लिए बना रही है यमी यमी खाना। भाई प्रिया ने एक नहीं दो नहीं बल्कि कई सारे पकवान बनाए हैं और वो भी अकेले। भाई प्रिया का साथ देने के लिए वृंदा जरूर वहाँ मौजूद है, लेकिन वृंदा को खाना बनाना नहीं आता और बेचारी प्रिया ने अकेले ही सारी मेहनत की है। मैं और प्रिया आए हैं राम के फार्म हाउस पे और हम राम, आदि, विक्रांत और कुणाल की वेट कर रहे हैं। मैंने प्रिया से कहा था कि खाना बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं क्योंकि सब अलग अलग खाना खाते हैं, लेकिन प्रिया ने कहा कि वो सारा खाना खुद बनाएगी सबके लिए और मुझे तो खाना बनाना आता नहीं है। लाइक वृंदा को खाना बनाना नहीं आता, आंचल को ज़रूर आता है। हाँ, सो अभी प्रिया खाना बना रही है, शी इज़ मेड पाव भाजी, पकौड़े, ग्रिल्ड वेजिटेबल्स, चिकन एंड वॉट नॉट। या बहुत अच्छा खाना बनाया है प्रिया ने, मैं तो बस वेट कर रही हूँ जल्दी से राम वगैरह आए और हम लोग खाना खाएं। पाव भाजी, पकौड़े, सब्जियाँ और क्या नहीं। असल में प्रिया, राम और उसके दोस्त पहुँचे हैं राम के फार्म हाउस पर और यहाँ होने वाली है पार्टी जिसके लिए प्रिया सभी के लिए खाना बनाती है और इस खाने में उसका प्यार भी है। लेकिन असली मजा तो तब आएगा जब राम ये खाना टेस्ट करेगा। अब देखना होगा कि क्या राम को प्रिया के हाथ का बनाया खाना पसंद आता है या फिर होता है कोई नया ड्रामा। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।